Here we go. Once more, I taught you एक चीज है, आप जैसे कि अगर कोई आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो सीधे एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दीजिए तो उसमें पार्टिकल्स मिल जाएगा। लिख रहा हूं मैं, वन मोल बाय नंबर इज फिक्स्ड, वन मोल माय नंबर इज फिक्स्ड एंड इट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर 23 यूनिट्स एंड दिस नंबर, जैसा डजन बोलते इस नंबर को, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर्स, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फिक्स है बच्चों, सो दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। वन मोल ऑफ एनीथिंग इज फिक्स्ड बाय नंबर। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। एक मोल में आप जानते हैं इतना पार्टिकल्स रहता है, एक मोल में इतना पार्टिकल, दो मोल में तो दो से गुना कर देंगे, पांच मोल में सिर्फ एवोगैड्रो नंबर को पांच से गुना कर देंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि ये तो सीधा सीधी काम है, बात है, मैं अगर कहूंगा कि एंजेलिना कोई पांच मोल बिस्किट लेकर आ रहा है तो कितना बिस्किट लेकर आएगा, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। दस आपसे पूछ देगा कोई पांच मोल आपको चॉकलेट लाकर दे रहा है, कितना चॉकलेट लेकर आएगा सर? 5 × पार्टिकल्स इन 1 मोल कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है? तो ये तो समझ गए आप लोग। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब क्वेश्चन कैसा आएगा तो इजी है, यानी नंबर ऑफ मोल जानिए तो सर गुना कर दीजिएगा। आप एक दिन सृष्टि बाजार में भेंट आ गई किसी से, सृष्टि से किसी ने पूछा कि आप कितना पार्टिकल क्या ला रही हो, तो सृष्टि ने कहा कि आई हैव 90 grams of water in my water bottle. Then how many water molecules are there in my water bottle? How many molecules are there in my water bottle? ये सृष्टि ने पूछ दिया। अब आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तो आप फट से उसको नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दीजिएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, मास सबसे पहले निकाल लीजिए ऑफ H2O ऑफ वाटर। सब जानते हैं कितना होगा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम, एक का वेट 1 तो दो का वेट 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन सिर्फ होता है, प्लस ऑक्सीजन एक एटम का वेट 16, दैट मींस इट इज इक्वल टू 18 grams। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास के बदले मॉलिक्यूलर मास में एमयू देना पड़ेगा। नेक्स्ट,
मोलर मास जैसे लिखेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू, खाली ग्राम लगा दीजिए 18 ग्राम। फिर अब वो 90 ग्राम लेके आ रही है, 90 ग्राम मतलब कितना मोल्स लेके आ रही है, 90 ग्राम वहां पानी लेने का रही है, कितना मोल्स लेके आ रही है, ये कल करवा चुके ये न्यूमेरिकल। एक ही बच्चा बोला 90 ग्राम मतलब 5 होगा, क्यों, क्योंकि 18 ग्राम मतलब 1, 90 ग्राम मतलब 5। कैसे निकालते ये भी आपको बता देते अगर आप भुला गए तो। यस, कैसे निकालते इसका फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, कितना हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था एक बार, इसका फॉर्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मास। आ गया आंसर आपका, गिवन मास वहां पर कितना था, 90। मोलर मास कितना था, मोलर मास कितना है पानी का, 18। अब आप समझ गए 18 है तो कितने टाइम्स कट जाएगा, तो 5 मोल्स, ये 5 मोल्स आ गए बच्चों। अब बताइए तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा उसके झोला में, जैसे ही मोल्स निकाल ले तो आप जानते हैं एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहता है, 6.022 × 10²³ यूनिट। यस, तो 5 मोल्स में कितना रहेगा, गुना कर दीजिए, 4 क्या मॉलिक्यूल्स। बहुत ही अच्छा खेल रहे आप लोग, सीट छोड़ के जाइएगा नहीं, बहुत ही सुंदर। इसका मैंने कहा कोई बच्चा एक स्क्रीनशॉट फट से लेकर सेव करके रखो, बाद में डालिएगा 1 by 1 प्लीज रख लीजिए इसको। तो अभी हम क्वेश्चन आपको देते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अभी हम आपको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, अब आप क्वेश्चन को बनाइए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। आई हैव 88 grams of carbon dioxide CO2 of carbon dioxide in my water bottle, ठीक है, how many carbon dioxide molecules are there in my water bottle? Your time starts now. ये आपको बताना है, ये question अभी आपको बताना है, और बता के इसको post कीजिए group में। Mole निकालिए पहले, mole, किसी का mole निकल गया, mole निकल गया,
सर कार्बन का मास नंबर क्या होता है? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सर 2 मोल्स। 2 मोल्स आ गया, तो 2 मोल्स आ गया तब आप लोग बना सकते हैं ना कितना मॉलिक्यूल होगा। मोल जान गए तो क्या चीज से गुना कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा उस नंबर का। 6.022 कौन सा नंबर? एवोगैड्रोज नंबर। उस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। यानी इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले उसका मोलर मास निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिल गया उसको 6.022 × 10³ से गुना कर देंगे। आर यू फॉलोइंग? सब तो लिस्ट में से देखना, फॉर्मूला याद करके बनाना है। जैसे इस चीज को कैसे बना विज्ञान देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे बना है। हमने पानी को बदल दिया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 × कार्बन में 1 होगा, 1 कार्बन 12 और 2 ऑक्सीजन 16 × 2 तो दैट इज 44 AMU। मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ CO2 में बाद में 2 वहां पर फिट कर दूंगा will be 44, all right, the number of moles of CO2, number of moles of CO2 will be given mass by molar mass, यहाँ पर कट जाएगा थोड़ा सा, यह आएगा मेरा 88 और नीचे आएगा मेरा 44, तो यहां पर मेरा कट क्या आएगा? यहां पर मेरा कट क्या आएगा? 2 मोल्स। तो यहां पर मेरा कट क्या आएगा? 2 से गुना कर देंगे। यहां पर मैं CO2 लगा देता हूं, यहां पर मैं CO2 लगा देता हूं। तो ये तो पहले आप सीख ही गए हैं कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दुनी, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 32 तो 32 और 12 44, यानी 1 मोल ऑफ CO2 का वेट 44 है। 44 ग्राम ऑफ CO2 मीन्स 1 मोल, तो 88 ग्राम मीन्स हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब 2 मोल्स हो गया तो यहां पर एक चीज है, यहां पर CO2 क्वेश्चन में था तो ये सब हटा देता हूं और आंसर में क्या निकाल लिखा जाएगा? CO2 मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए अभी तुरंत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप CO2 वाटर बॉटल में लेकर जा रहे थे ऐसा सोच के चलिए, गैस भर सकते हैं वाटर बॉटल। एक क्वेश्चन बनाइए सब लोग, लेट मी सी हु इज द जीनियस। अभी यहां आपको भी एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वेट भी दे देता हूं। कार्बन का होता 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, ये दोनों ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए और प्रोसेस से बना के पोस्ट कीजिए ग्रुप में।
मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा तब आप लोग उसको बनाइएगा। बनाइए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 270 ग्राम्स ऑफ C2H6 प्रोसेस बना के लेट मी सी द जीनियस गाइस अगेन। अब ज्ञान ट्राई कीजिए सब ऊपर दिया हुआ निकाल सकते हैं आप। ग्रुप में ही डाल दीजिए जो तेज बच्चा है। So 9 × 6.02 × 10³ molecules. Send it. Very good answer. I think so. That is the correct answer. Send the. ये. देखो C2H6 अभियान देखो C2H6 का पहले मास निकालो। तो नया लड़का जो ज्वाइन किया बीच क्लास से वो बता देगा कि कैसे निकालते हैं। कार्बन का दो एटम है और एक कार्बन का एटम 12 दिया था। दो एटम का कितना हुआ 24 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का भार ऊपर में एक दिया और 6 है तो 1 × 6 = 6 हो जाएगा यानी टोटल C2H6 मॉलिक्यूल का भार हो जाएगा 30 ग्राम्स। इसका मोलर मास हो जाएगा 30 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपको यहीं तक क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो उसका फॉर्मूला बताएं गिवन मास क्या मास दिया हुआ है 270 बाय क्या है मोलर मास 30 कट के 9 मोल्स आ जाएगा यानी अगर 2 मास का क्वेश्चन है तो मोल तक छोड़ देगा लेकिन मोल नहीं पूछ रहा करा कितना मॉलिक्यूल उसके झोला में तो जब मोल मिल गया तो एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दीजिए और ऐसे ही छोड़ देना है गुना पूरा नहीं करना है बस ऐसे ही छोड़ देना है 9 × 6.022 × 10³ पूरा लेकिन स्टेटमेंट लिखना है 23 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन देयर इन टू सेवेंटी ग्राम्स of C2H6 okay so this is the way how we will solve these questions फास्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग बना के भेजिएगा एक जन को डिक्टेट करो फास्ट लिखिए और भेजिएगा मुझे अभी ठीक है और एक जन पोस्ट भी करिए लिखिए हाउ मेनी सृष्टि आप लिखिए सुंदर से और एंजेलिना पोस्ट कीजिए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन लिखना शुरू कीजिए हाउ मेनी सब लोग लिखिए लेकिन ये लोग पोस्ट करेगी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन नंबर ए 51 ग्राम्स ऑफ NH3 नंबर टू 116 ग्राम्स ऑफ सर कैन यू रिपीट ए इज 51 ग्राम्स ऑफ NH3
NH3. B is 116 grams of C4H10. B is 116 grams of C4H10. C is 540 grams of C is 540 grams of C6H12O6. 540 grams of C6H12O6. And D is 200 grams of CaCO3. D is 200 grams of CaCO3. D is 200 grams of CaCO3. And E is 64 grams of CH4. E is 64 grams of CH4. इसको सब लोग बना के भेजिए और जो भी आज मैंने कहा स्क्रीनशॉट लिए उसको भेजिए। वो सारे क्वेश्चन को भी सारे बच्चे आज होमवर्क बनाएंगे। फिर कल मैं एक होमवर्क पोस्ट करूंगा और फिर परसों क्लास होगा। कल सिर्फ होमवर्क जाएगा आपको, ऑल्टरनेट डे क्लासेस अब होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये काम अभी एक घंटा में करके भेजना है। एंजेलिना, लक्षित, जो भी स्क्रीनशॉट लिए भेज दिए सब लोग।